इनको मैंने श्योरिटी दी थी कि इनका पैसा इनका ही है और इनको हम जरूर देके जाएंगे। तो भाई बहुत सारी स्पेकुलेशन आ रही है मीडिया पे और बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई गौरव भाई ने बाबा के पैसे नहीं दिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है यार। जो पैसा इनके लिए आया था सिर्फ इन्हीं का ही था और मैंने बाबा को श्योरिटी दी थी, बाबा आपके पैसे मेरे पास सेफ एंड साउंड है, आपको जब भी चाहिए होगा आप मुझे एक बार फोन कर देना। और बाबा का फोन आया और बाबा ने बोला भाई मेरे को जरूरत है, तो देखो मैं चेक लेके आ गया। बाबा आपके नाम पे लोगों ने भेजे हैं 2,33,677 रुपए। क्या बात है, थैंक यू सो मच गाइस। ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है कि आपने इतना प्यार दिया है बाबा को। प्लीज इसी तरीके से डोनेट करते रहिएगा और लोगों की मदद करते रहिएगा। बाबा आज से आपका मेरा लेन देन तो नहीं रहा कुछ? नहीं बेटा, कोई लेन देन नहीं, कोई लेन देन नहीं है। मगर एक बात है, प्यार मोहब्बत ये कभी हो ही नहीं सकती। एंड स्माइल करके दिखाओ जरा अम्मा आपकी, स्माइल करके देखो। ये इनका प्यार है, ये मुझे आज भी आशीर्वाद दे रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि मेरी इनसे कोई नाराजगी नहीं है। और जो भी लोग मेरे को नीचे डराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई ऐसा मत करो। थैंक यू गाइस, प्लीज ऐसे सपोर्ट करते रहना। गाइस जो वीडियो आपने देखी ना वो गौरव के इंस्टाग्राम पे अभी भी है और अभी भी उसने सारी वीडियो डाल रखी है, जिससे पता लगता है कि वो बाबा के अभी भी सपोर्ट में है इतना सब कुछ होने के बाद भी। और जो वीडियो आपने देखी ना इस पे गौरव ने साफ साफ मेंशन किया कि बाबा ने बाबा को उसने चेक दिया 2,00,000 रुपए कुछ का और बाबा भी चीज़ लग रही है, बाबा खुश है। लेकिन उसके बाद देखते हो कि क्या रिएक्शन आ रहा है उन लोगों का। तो बाबा से एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि बाबा गलती आपकी नहीं है। जब इंसान को एकदम से सफलता मिलती है ना तो वो इंसान भटक जाता है बहुत ज़्यादा, उसको वो लोग नहीं दिखते जिसने उसको गरीबी में साथ दिया। जब आपके पास कुछ नहीं था तब गौरव आपके पास आया था, ठीक है, तब उसने वीडियो बनाई थी, उसे नहीं पता था रिस्पॉन्स इतना अच्छा आने वाला है। आपके पास पब्लिक इतने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया आपका दुख देख के, आपकी तकलीफ देख के। और आप बाबा एक चीज़ हमेशा याद रखना, उस इंसान ने तुम्हें ऐसे वक्त में साथ दिया तुम्हारा जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, तुम कुछ भी नहीं थे बाबा। आज भगवान की दुआ से आपके पास सब कुछ है भगवान, मैं तो ये चाहता हूँ और भी आ जाए आपके पास। लेकिन उस इंसान को तो मत भूलो एटलीस्ट, जिस इंसान ने आपको बनाया। अगर जिस इंसान ने आपको ऊपर खड़ा करा है, मान लो जिस इंसान ने आपको यहाँ से यहाँ लाया है, ठीक है, अगर आपके बुरे वक्त में आपके साथ था वो अच्छे वक्त में आपके साथ नहीं है, तो इन द सेंस कि वो आपके भलाई चाहता है, राइट? समझ रहे हो आप मेरी बात बाबा? तो बाबा इतना ज़्यादा एटीट्यूड आना इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है बाबा। पब्लिक सब जानती है, पब्लिक चूतिया नहीं है बाबा, ठीक है, पब्लिक सब जानती है आप क्या कर रहे हो। और पब्लिक को यही पता है कि गौरव भाई सच है या झूठ है। आज गौरव भाई सच है इसलिए पब्लिक साथ है, पब्लिक ने आपको उठाया, पब्लिक आपको गिरा भी सकती है। लेकिन आप बुजुर्ग समान हो, आपको इतनी ज़्यादा वो समझ नहीं है अभी इन चीज़ों की, ठीक है। सो आपसे ये रिक्वेस्ट चाहेंगे बाबा, प्लीज़ ये सब ना करें आप लोग, जो आप कोर्ट जा रहे हैं ये सब करें। बाबा आपको के लेना क्या आपका, कुछ ज़िंदगी है आपकी, आराम से खुशी खुशी जिए आप। गौरव ने आपको इतना खड़ा कर दिया, आप जब कुछ नहीं थे आपको यहाँ से यहाँ ला दिया उस बंदे ने यार। और उस बंदे को आप ये बोल रहे हो मेरे पैसे खा गया, उसको क्या ज़रूरत पड़ी है? उसको आप ही नहीं सर, बाबा आप जैसे ना करोड़ों लोगों की उसने मदद करी है। और आपकी एक बात और बताऊँ, आपकी सारी इंस्टाग्राम की जो भी आपकी वीडियो वायरल है वो सभी उसके पेज पे अभी तक है स्टिल। सो ये इंसान की असलियत बताती है बाबा, वो इंसान कितना आपको ज़्यादा लेके सीरियस था। उस इंसान ने आपकी बहुत हेल्प करी और ऐसे इंसान की हेल्प करना यार, जो इंसान मैं ही हूँ, अगर मैं किसी की मदद कर रहा हूँ और वो इंसान मेरे को बोल रहा है कि तूने मेरे पैसे खाए यार, तो देखो एज ए ह्यूमन बींग मैं तो ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करता किसी से कि यार मुझे ऐसे सुनने में मिलेगी। बट गौरव भाई को इतना झटका लगा इस चीज़ का कि जिस इंसान ने आपको यहाँ से यहाँ पहुँचाया आप उस इंसान को बोल रहे हो। बाबा ये चीज़ बहुत बेकार है। मैं आपके पास आया था इसकी बाबा की एक वीडियो देखो, मैंने बाबा की वीडियो में गया भी था, उस टाइम बाबा का नेचर देखना और अभी का आपको दिखाऊंगा फिर। सो पहले वीडियो देखो आप। सो मजे भी तो खुश होना बिल्कुल बिल्कुल। बस लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आ रहे हो यहाँ पे तो मतलब बिल्कुल बिल्कुल अम्मा जी। और बाबा जी बस बाबा जी देखो अपने, और बाबा जी बताओ कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस खुश हो आप? बिल्कुल मजा आ गया बाबा जी। बाबा जी आशीर्वाद है ना, मैं सदा खुश रहूँगा। तो बाबा जी आप लोगों का प्यार है बस, ठीक है भाई। सो भाई लोगों आपने वीडियो देखी होगी, बाबा का पहले का नेचर, बाबा बहुत पोलाइटिव थे, बाबा जैसा अच्छा इंसान को नहीं लग रहा था हम लोगों को। और अभी की वीडियो तो आप देख ही सकते हो, हज़ारों वीडियो यूट्यूब पर डली हुई है, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। बाबा प्लीज़ गौरव भाई हम आपके बहुत सपोर्ट में, हम आपसे दिल से सपोर्ट में आप लोगों के। और मैं चाहता हूँ गौरव भाई आप ऐसे लोगों की मदद करते रहो यार, आपके साथ हज़ारों लोग आज जुड़ रहे हैं बिकॉज आपको देख के कि आप लोग कैसे एक इंसान को पटरी से ला के आप लोगों ने आसमान पर खड़ा कर दिया। और भाई गौरव भाई वो आपकी अच्छी चीज़ है, वो हमेशा करते रहना आप, और आई नो आप करोगे भी, आप अभी भी कर रहे हैं इतना सब कुछ होने के बाद, वो अभी भी कर रहे हैं ये चीज़ कि लोगों की मदद करना, लोगों को यहाँ से यहाँ उठाना, वो अभी भी कर रहे हैं। सो ये चीज़ देख सकते हो गाइस आप लोग कितनी अच्छी चीज़ है कि हमारे समाज में एक ऐसा लोग भी हैं जिसको इतना ज़्यादा डिमोटिवेट करने के बाद भी वो इंसान आज भी गरीबों की मदद कर रहा है, आज भी वीडियो बना रहा है। किस लिए बना रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि मैं एक ऐसा
वो एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहाँ पे कोई गरीब ना रहे, हर इंसान हर स्टॉल पे जाके खाए। सो ये चीज़ गौरव भाई बहुत बढ़िया लगी आपकी मुझे तो, और हम दिल से आपके सपोर्ट में भाई, दिल से आपके लिए प्यार है, लोग क्या बोले डजेंट मैटर है, पब्लिक को सब पता है कि असलियत क्या है भाई। सो भाई बस दिल से आपको सपोर्ट है भाई, बाकी ऐसे आप काम करते रहो, और पब्लिक आपको तो पता ही आपको क्या करना है, आप अपना वही काम करो जो हमेशा गौरव भाई की वीडियो में करते आए हो। आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करो, ये मत सोचना कि बाबा जैसे हर कोई होंगे, नहीं आज भी लोग ऐसे हैं जो थोड़ा उठ रहे हैं ऊपर, थोड़ा मतलब इतना हो रहा है, इनकी दिनचर्या चल रही है, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं गौरव भाई की वजह से, गौरव भाई उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो आप लोग भी सपोर्ट करो उन लोगों को, मैं ये नहीं कहूँगा आप बाबा के चक्कर में कहीं मत जाओ, आप हर जगह जाओ जहाँ गौरव भाई बोलते हैं, क्योंकि गौरव भाई हमेशा ऐसी वीडियो बनाते हैं जिन लोगों को नीड है, जो एक्चुअली नीड है और जिनका एक्चुअली खाना टेस्टी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा के बोल देते हो, जिनका खाना एक्चुअली टेस्टी है लेकिन उनकी बिक्री नहीं हो पाती बिकॉज वहाँ लोग छोटा समझ के आते नहीं है, सो वहाँ जाके गौरव भाई वीडियो बनाते हैं। बाकी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कर दो, इसको कमेंट कर दो, लाइक कर दो, और गौरव भाई तक मेरी वीडियो पहुँचा दो। बाकी गौरव भाई तक अगर वीडियो पहुँचा दिया दिल से खुश हो जाऊँगा मैं, बाकी इस कॉन्ट्रोवर्सी में आना नहीं चाहता, बट मैंने सोचा नहीं यार अब जब इतना ज़्यादा हो चुका है तो क्यों ना बोलना पड़ेगा, हमारी इंडिया की आवाज़ है, कोई हमारी आवाज़ दबा नहीं सकता, राइट। सो चलो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना।